सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे का पठन कार्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। उम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा।
और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। उम्मीद झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहां एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, ये पाठ की हमने रीडिंग कर ली, इस पाठ का हमने पठन कार्य कर लिया। इसके लेखक हैं आइज़क असीमोव ने ये पाठ लिखा है। इसकी रीडिंग के बाद अब हम अगली कक्षा में इसके नए शब्दों और कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है।